ओके okay, चलो एक और क्वेश्चन ले लिया. क्या बोल दिया कि ये कोई लाइन है पासिंग थ्रू द फिक्स्ड पॉइंट, देन फाइंड द लाइन विच हैज अ स्लोप 2 एंड पासिंग थ्रू द फिक्स्ड पॉइंट. ठीक है, मतलब एग्जैक्टली सेम वही क्वेश्चन हो गया. मतलब मुझे क्या करना है, फिक्स्ड पॉइंट फाइंड करना है, उसके बाद में जैसे ही फिक्स्ड पॉइंट आ जाएगा फिर एक लाइन निकालना है जिसका स्लोप 2 होगा और फिक्स्ड पॉइंट से पास कर रहा है. तो क्या बताया था मैंने तुमको कि अगर इस तरह से होगा तो तुम क्या करोगे, के को एक साइड ले लो और जो के के साथ नहीं है उसको अलग कर दो. ठीक है, अभी कभी कभी यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, लगेगा कि अरे यहाँ तो दो वेरिएबल है ही नहीं तो कैसे अलग अलग करो. तो कुछ नहीं, बस देखो यहाँ पर कि कैसे के अलग हो जाए और बाकी जो अलग हो जिसमें के नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए. अच्छा, के को भी अलग करने के लिए यहाँ पर एक चीज़ दिमाग में आ रहा है कि यहाँ पर एक तो टर्म के बन रहा है और एक के स्क्वायर बन रहा है, तो थोड़ा सा हमें यहाँ पर इंटेलिजेंटली इसको अलग अलग करना पड़ेगा. तो पहले बात तो क्या किया, चलो इसको ओपन कर दिया, तो ये कुछ इस तरह से हो गया. ओके, ये कितना हो जाए एक्स, ऐसे हो गया, ये के वाई हो गया, ये कितना हो गया माइनस टू के स्क्वायर माइनस टू इक्वल्स टू जीरो. ठीक है, तो पहले तो मैंने देखा कि यहाँ पर के स्क्वायर के साथ क्या क्या आ रहा था, एक तो एक्स आ गया और एक माइनस टू आ गया. ठीक है, फिर मैंने देखा के साथ क्या क्या आ गया, तो यहाँ पर देखा टू एक्स आ गया प्लस वाई आ गया, और बाकी जो किसी के साथ नहीं आया वो क्या हो गया, एक तो एक्स आएगा, ये कैसे, एक यहाँ ये अंदर मल्टीप्लाई होगा. ठीक है, यहाँ देखो ये अंदर मल्टीप्लाई होगा और दूसरा ये माइनस टू, तो ये माइनस टू इस तरह से आ गया. ओके, अच्छा एक ऑब्जर्वेशन मैंने यहाँ पर ये देखा कि एक्स माइनस टू सेम आ गया, तो इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ के स्क्वायर प्लस वन और ये एक्स माइनस टू इधर आ गया, प्लस ये कितना हो गया के, ये हो जाएगा टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो. बस अब सब सही हो गया. जैसे के यहाँ पर क्या हो गया, वेरिएबल है, तो के स्क्वायर प्लस वन भी एक वेरिएबल है, तो क्या किया इसको डिवाइड कर दिया, तो कितना हो जाएगा एक्स माइनस टू प्लस ये कितना हो जाएगा के अपॉन के स्क्वायर प्लस वन, ये हो जाएगा टू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू जीरो. बस अब ये इस तरह से बिहेव कर रहा है, ये कितना एल वन हो गया, ये कितना हो गया लैम्डा एल टू हो गया इक्वल्स टू जीरो. यहाँ से एल वन कितना आ गया, एल वन इज एक्स माइनस टू इक्वल्स टू जीरो, और एल टू कितना आ गया, यहाँ से टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू जीरो. इन दोनों को सॉल्व करो, एक्स और वाई निकाल लो, मतलब फिक्स पॉइंट निकाल लो. तो पहले वाले से तो ऐसे ही दिख रहा है कि एक्स इज इक्वल टू टू है, दूसरे वाले इसमें क्या करोगे वाई को रख दो, तो ये कितना हो जाएगा वाई इज इक्वल्स टू माइनस फोर आ जाएगा. तो ये वाला पॉइंट आ गया, ये फिक्स पॉइंट है, मतलब लाइन यहाँ पर कैसे भी मूव करे. अच्छा, लाइन यहाँ पर मूव क्यों करेगी, जैसे जैसे मैं के की वैल्यू को चेंज करूंगा, के की वैल्यू को अगर मैं चेंज करूंगा तो अलग अलग लाइन्स मिलेगी, पर हमेशा ये टू कॉमा माइनस फोर से तो पास करेगी करेगी. अब क्या बोल रहे हैं कि टू कॉमा माइनस फोर से तो एक लाइन यहाँ पर पास करे और साथ में इसका स्लोप कितना हो, टू हो जाए, तो बस कोई बड़ी बात है ही नहीं इसमें. क्या किया इसमें, y इज y माइनस प्लस फोर इज इक्वल टू हो जाएगा टू एक्स माइनस टू, इसको सॉल्व कर लिया, y प्लस फोर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा टू एक्स माइनस ये कितना हो जाएगा फोर, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू टू एक्स माइनस एट. बस ये आंसर आ गया इसका, वेरी सिंपल, कोई बड़ी बात थी नहीं. ठीक है, एक आध और ले लिया. चलो एक और क्वेश्चन क्या किया, ऐसे ले लिया लाइन, ये कुछ लाइन ले रखी है, passes through a fixed point, then find the reflection of that point on this line. Okay. अच्छा, तो ये जो second part है उसको तो भूल जाओ, find the reflection of that point. पहले तो हम ही क्या देते हैं, देखते हैं कि इसको fixed point से pass कराना है. ठीक है, तो वो वाली चीज है, इसमें variable क्या दिख रहा है, theta variable है, cos theta sin theta variable है. तो क्या किया मैंने, एक काम किया, cos theta अलग कर दिया, sin theta अलग कर दिया, तो उसको start किया. cos theta जब तुम अलग करोगे तो यहाँ पर क्या क्या आएगा, एक एक्स आ जाएगा, यहाँ पर प्लस वाई आ जाएगा, यहाँ से कितना जाएगा माइनस नाइन आ जाएगा. कहाँ कहाँ से आ गया, एक तो यहाँ से आ गया ये, एक यहाँ से आ गया और एक यहाँ से मल्टीप्लाई होके आ गया. सेम वे में तुम क्या करो, साइन थीटा को अलग कर दो, तो यहाँ से साइन थीटा कितना हो जाएगा एक्स आ जाएगा, माइनस ये वाई आ गया, ये जाएगा माइनस थ्री इज इक्वल्स टू जीरो. इस तरह से हो गया, ये समझ में आ रहा क्या कर रहे हैं. ठीक है, बस ये तो वैसे ही इस फॉर्मेट में आ गया, तुम क्या करो उसको डिवाइड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस नाइन प्लस, जब तुम कॉस थीटा से डिवाइड करोगे तो ये टेन थीटा हो जाएगा. ठीक है, साइन बाई कॉस ये जाएगा एक्स माइनस वाई माइनस थ्री इक्वल्स टू जीरो. तो ये तो इस फॉर्मेट में आ गया, तो किसका इंटरसेक्शन लेना है मुझे, एक तो एक्स प्लस वाई माइनस नाइन इक्वल्स टू जीरो का और दूसरा हो जाएगा एक्स माइनस वाई माइनस थ्री इक्वल्स टू जीरो. बस कोई दिक्कत ही नहीं. तो क्या किया, यहाँ से वाई निकाला, वाई कितना हो जाएगा एक्स माइनस थ्री, उसको उठा के रख दिया इधर, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस एक्स माइनस थ्री माइनस नाइन इक्वल्स टू जीरो. तो यहाँ से एक्स कितना आ गया, सिक्स आ गया. ठीक है, अगर x 6 आ गया तो यहाँ से y कितना आ गया, 3 आ गया. तो 6,3 इज द फिक्स्ड पॉइंट, ये तो हमारे पास पता चल गया. ठीक है, अच्छा अब क्या बोल रहा है, फाइंड द रिफ्लेक्शन ऑफ दैट पॉइंट ऑन दिस लाइन. ओके, यहाँ पर ऐसा कुछ लाइन होगा. अच्छा, अगर मैं यहाँ पर डायग्राम में देख रहा हूँ
तो ये तो y इज इक्वल्स टू एक्स वाली लाइन है, ठीक है, जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, तो y इज इक्वल्स टू एक्स वाली लाइन है, मतलब ये तो ऐसी लाइन जा रही है y इज इक्वल्स टू एक्स। और 6.3 किधर होना चाहिए, 6.3 का यहाँ होगा इधर, ठीक है, 6.3। तो मुझे इसका रिफ्लेक्शन चाहिए, रिफ्लेक्शन का मतलब ये होगा इस तरह से एक पॉइंट, ये यहाँ पर एक रिफ्लेक्शन चाहिए मुझे। आई होप ये समझ में आ रही क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो आइडिया इज एक काम करता हूँ, अच्छा मेरे पास पॉइंट तो है और मुझे पता है ये जो लाइन होगी वो इससे तो परपेंडिकुलर ही हो गई, ठीक है, और यहाँ पर इसका दिख रहा है कि इसका स्लोप कितना है, 1। तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा, m इज m परपेंडिकुलर माइनस 1 स्लोप हो जाएगा। तो मैं इक्वेशन ऑफ लाइन तो बना ही सकता हूँ, फिर मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन ऑफ लाइन बना के इन दोनों को मैं सॉल्व कर देता हूँ, किसको, ये ये वाली जो लाइन है और ये जो नई लाइन जो मैं बनाऊंगा उसको सॉल्व करूंगा, तो मुझे ये वाला पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। और अगर ये वाला पॉइंट मिल गया तो ये वाली बात तो श्योर है कि ये वाला पॉइंट, ठीक है, देखो इधर ध्यान दो, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट का तो मिड पॉइंट ही होगा वो, तो बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला मैं दूसरा वाला पॉइंट निकाल लूंगा, ठीक है, समझो मैं क्या कर रहा हूँ। सबसे पहले तो क्या किया, लाइन लिख लिया जो परपेंडिकुलर वाले का, मुझे पता है कि 6.3 से पास कर रहा है और इसका स्लोप कितना है, माइनस 1। तो कैसे लिखोगे, y माइनस 3 इज इक्वल्स टू माइनस 1 x माइनस 6, इसको सॉल्व कर लिया, y माइनस 3 इज इक्वल्स टू माइनस x प्लस 6, तो ये कितना हो गया, x प्लस y इज इक्वल्स टू 9, ये आ गया इस तरह से। आई होप दिस इज फाइन, ओके। अच्छा एक चीज ऑब्जर्व यहाँ पर ये की कि ये लाइन ऑलरेडी यहाँ पर यूज हुई है, ठीक है, यहाँ पर देखो ये फैमिली की एक लाइन, पर अभी मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, तो क्योंकि अभी ये तो चेंज ही हो गया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको और किसको, इसको सॉल्व कर लिया, उससे क्या आ जाएगा, मुझे इसका ये वाला पॉइंट आ जाएगा, देखो जहाँ पर मैं इसको मार्क कर रहा हूँ, तो इसको सॉल्व कैसे कर लिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो यहाँ से y इज इक्वल्स टू x सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2x इज इक्वल्स टू 9 हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 9/2 हो गया। तो अगर x इज इक्वल्स टू 9/2 हो गया तो y भी कितना हो जाएगा, 9/2 हो जाएगा, कहाँ से, इसको यहाँ पुट कर देना, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आ गया, ठीक है, ये वाला पॉइंट कितना आ गया, 9/2, 9/2। अच्छा तो ये 9/2 कैसे बन रहा होगा, ये दोनों के पॉइंट के मिड पॉइंट के फॉर्मूले से, तो ऐसे कुछ होगा जैसे इस वाले को मैंने क्या ले लिया, चलो कुछ a कॉमा b ले लिया, तो ऐसे बन रहा होगा a प्लस 6/2, इसका मिड पॉइंट कितना होना चाहिए, 9/2, एक तो इससे बन रहा होगा, और b कैसे बन रहा होगा, b प्लस 3/2 इज इक्वल्स टू 9/2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेना, ये 2 और ये 2 तो कट हो जाएगा, a कितना आ जाएगा यहाँ से, 3 आ गया, ओके, और b यहाँ से कितना आ जाएगा, 6 ऐसे आ गया, ठीक है, तो ये कितना है, 3.6। आई होप दिस इज फाइन, ओके ओके। सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसमें आ गया, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ऑप्टिक्स, ठीक है, ऑप्टिक्स टाइप वाले प्रॉब्लम्स भी इसमें आते हैं जो हम इसको यहाँ पर क्या करेंगे, कवर करेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, क्वेश्चन की फॉर्म में ले लेता हूँ तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। मैंने क्या ले लिया, ऐसे बोल दिया, फाइन इमेज ऑफ पॉइंट 3.1 अक्रॉस द लाइन, कौन सी लाइन ले, कुछ भी ले लेते हैं, चलो y इज इक्वल्स टू 2x+7, ओके। क्या बोल रहा है, फाइंड द इमेज ऑफ दिस पॉइंट अक्रॉस द लाइन y इज इक्वल्स टू 2x+7। तो इसको क्या किया, थोड़ा सा हल्का फुल्का ड्रॉ कर लिया, हो सकता है ऐसे कुछ लाइन हो रही होगी, ठीक है, यार पॉइंट कितना हो जाएगा, 3.1 होना चाहिए। तो इसका इमेज, इसका इमेज मतलब तुम्हें समझ में आना चाहिए, इसका इमेज का मतलब ये हो गया, ये वाला पॉइंट, ठीक है, एग्जैक्टली ये वाला पॉइंट चाहिए मुझे, ठीक है। अच्छा क्या क्या ये इसमें खासियत होगी इमेज वाले पॉइंट में, पहली बात तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगी, ओके। और अगर मैंने यहाँ पर पी ले लिया और इसको मैंने अगर क्यू बोल दिया और इसको मैंने क्या बोले, लेट्स से एम बोल दिया, तो एम क्या होगा, पी और क्यू का मिड पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, ओके, तो ये लाइन को लिख लेते हैं, ये लाइन कौन सी, ये y इज इक्वल्स टू 2x+7। तो कैसे किया जाए इसको, तो मैं एक काम करता हूँ, हाँ एक बात और ये है कि ये लाइन क्या होगी, इसकी परपेंडिकुलर होगी, इसका मतलब अगर इसका स्लोप कितना है, स्लोप दिख रहा है तुमको, ये 2 है, तो इस लाइन का स्लोप कितना होगा, परपेंडिकुलर स्लोप -1/2 हो जाएगा, ऐसे भी कर सकते हैं।
तो देखो तरीके तो बहुत सारे हैं, क्या कर लिया मैंने, मुझे अगर पी लाइन पी क्यू का, ठीक है, लाइन पी क्यू का अगर मुझे स्लोप पता है और एक पी पॉइंट पता है, तो मैंने क्या कर लिया, लाइन बना लो। फिर लाइन बना लो तो तुम क्या कर लो, ये वाली जो गिवन लाइन है, ठीक है, इधर ध्यान दो, देखो ये वाली जो गिवन लाइन है इसके साथ क्या किया, सॉल्व कर लिया। इसके साथ सॉल्व कर लोगे तो क्या मिलेगा, एम मिल जाएगा, पी मिल गया, एम मिल गया, क्यू कैसे निकालोगे, बाई यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला, इजिली कर सकते जैसे, ठीक है। तो चलो ऐसे ही कर लिया, क्या किया, लाइन पी क्यू के बारे में निकाल लिया, ठीक है। तो लाइन पी क्यू कितना हो जाएगा, ऐसे लिखोगे y माइनस वन इज इक्वल्स टू माइनस हाफ x माइनस थ्री, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, टू वाई माइनस टू, ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस थ्री, तो यहाँ से कितना आ गया, x प्लस टू वाई माइनस फाइव इक्वल्स टू जीरो। अब मुझे इसको किसके साथ सॉल्व करना है, इसके साथ सॉल्व करना है, तो ठीक है मैंने इसके साथ सॉल्व कर लिया। क्या किया, वहाँ से y उठा के यहाँ रख दिया, तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा टू, ये हो जाएगा टू एक्स प्लस सेवन माइनस फाइव इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। तो ये कितना था, फाइव एक्स हो गया, ये कितना हो जाएगा, फोर्टीन माइनस फाइव इज इक्वल्स टू जीरो, तो यहाँ से एक्स कितना आ गया, ऐसा कुछ आ गया नाइन बाय फाइव, माइनस नाइन बाय फाइव। आई होप चेक कर लो, देख लो सही है, ओके। अगर एक्स आ गया तो तुम वाई भी निकाल सकते हो, तो वाई कितना आ जाएगा, वाई इज इक्वल्स टू पहले वाली इक्वेशन से ये हो जाएगा टू माइनस नाइन बाय फाइव प्लस सेवन, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस एटीन, एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा, थर्टी फाइव, यहाँ पर कितना आएगा, फाइव, ठीक है। तो यहाँ से वाई कितना आ रहा है, माइनस कर सकते हैं इसको, तो ये जो आएगा सेवनटीन बाय फाइव, ठीक है। तो इसका मतलब मेरे पास एम की कोऑर्डिनेट्स आ गए, कितना आ गया, माइनस नाइन बाय फाइव कर लो, और ये कितना है, सेवनटीन बाय फाइव कर लो, ठीक है। अब मुझे पता है कि एम क्या है, पी और क्यू का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, तो इसका मतलब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, एम इज इक्वल्स टू पी प्लस क्यू बाय टू। पर इस केस में तो मुझे क्यों निकालना है, तो उसको मैंने कैसे लिख लिया, रीअरेंज कर दिया, 2 को ऊपर ले गया तो हो जाएगा 2m, और इसको लिख दिया माइनस पी, बस। अगर इस तरह से मैंने यहाँ पर नोटेशन लिख दिया, तो तुम क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, पहले x कोऑर्डिनेट रखो फिर y कोऑर्डिनेट रखो, तो q के क्या पॉइंट्स हो जाएंगे, अगर पहले x कोऑर्डिनेट रखोगे तो हो जाएगा 2 टाइम्स x कोऑर्डिनेट कितना है इसका, माइनस नाइन बाय फाइव, माइनस पी का क्या हो गया, 3 हो गया। वैसे y कोऑर्डिनेट रख लो तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स, ये हो जाएगा 17 बाय 5 माइनस वाई कोऑर्डिनेट कितना है इसका, 1, इसको तुम कैलकुलेट कर लो, तो ये क्यू कितना आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा कुछ माइनस 18, ये हो जाएगा माइनस 15 बाय 5, ये हो जाएगा 34 माइनस 5 बाय 5, तो यहाँ से मेरे पास क्यू के कोऑर्डिनेट्स आ गए, ठीक है। ये कितना हो जाएगा माइनस, इसको कैलकुलेट कर लो, ये हो जाएगा 20 33 बाय 5, ओके, और ये हो जाएगा 29 बाय 5। दिस इज द इमेज ऑफ दिस पॉइंट, आई होप दिस इज क्लियर। अच्छा, जरूरी नहीं कि यहाँ पर ये एक ही तरीके से हो, बहुत सारे तरीके से हो सकता है। जैसे मैंने क्या बोल दिया, मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि मैंने पैरामेट्रिक इक्वेशन फाइंड कर लिया, किसके लिए फाइंड कर लिया, मैंने बोल दिया पी के रिस्पेक्ट में, ठीक है, पी के रिस्पेक्ट में मुझे स्लोप तो पता ही है, स्लोप पता है तो मतलब मुझे क्या पता है, टेन थीटा पता है, टेन थीटा कितना है, माइनस हाफ है। अगर टेन थीटा माइनस हाफ है तो तुम क्या कर सकते हो, ट्रायंगल से ये वन हो गया, ये टू हो गया, ये कितना हो गया, रूट फाइव हो गया, तो यहाँ से साइन थीटा क्या निकाल सकते हो, साइन थीटा इज इक्वल्स टू वन बाय रूट फाइव हो जाएगा, और कॉस थीटा कितना हो जाएगा, टू बाय रूट फाइव हो जाएगा, पर कॉस थीटा में माइनस आएगा, क्यों, क्योंकि अगर साइन यहाँ पर टेन थीटा में माइनस है, इसका मतलब क्या है कि एंगल कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ, ये सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है। ये तो हम लोग पहली बात कर चुके हैं कि ये जो स्लोप का जो एंगल होता है वो क्या होता है, जीरो से लेकर पाई जाता है, ठीक है, इस तरह से लिख दिया। अब मैंने क्या किया, अगर पी के रेफरेंस में लिखने हैं तो मैंने बोला एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन कैन बी रिटन एज एक्स इज इक्वल्स टू, ऐसे लिखता हूँ एच प्लस आर cos थीटा, ये जगह y इज इक्वल्स टू के प्लस आर साइन थीटा, तो कैसे लिख दूंगा इसको, x इज इक्वल्स टू h किसको बोल रहा हूँ, 3 को, क्योंकि वही रेफरेंस पॉइंट है, और ये cos थीटा, ये cos थीटा कितना हो जाएगा, माइनस टू बाई रूट फाइव। अगेन यहाँ पर y कितना हो जाएगा, ये जगह 1 प्लस आर, और ये हो जाएगा 1 बाई रूट फाइव, ठीक है। मतलब एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन, कौन सी लाइन के बारे में बात कर रहे हैं, पी क्यू वाली लाइन में के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी पॉइंट को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, अगर मैं किसी को भी इस तरह से लिख सकता हूँ, इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि एम के कोऑर्डिनेट को भी मैं ऐसे ले सकता हूँ, 3 माइनस टू आर बाय रूट फाइव, और ये हो जाएगा 1 प्लस आर बाय रूट फाइव। बस खासियत क्या है एम की, कि एम इस ओरिजिनल लाइन पे लाई करता है, ठीक है, कौन से लाइन पे, ये जो लिखी है ना यहाँ पर, ये वाली लाइन पे, इस लाइन पे ये लाई करता है, तो इसको सेटिस्फाई करा तो वहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, आर मिल जाएगा। वहां से r मिल गया तो तुमने क्या किया, फिर से रिसब्स्टिट्यूट कर दिया m के कोऑर्डिनेट्स में, तो m के कोऑर्डिनेट्स आ गए। मतलब तो वो सेम वाली बात है कि तुमने सॉल्व कर लिया या पैरामीटर इक्वेशन यूज करके उस लाइन में सब्स्टिट्यूट कर दिया, वहां से r आ जाएगा, फिर मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के तुम क्या करोगे, सॉल्व कर लोगे। आई होप इसी समझ में आ रही है। अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस का एक फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है,
मैं लिख देता हूँ वो फॉर्मूला क्या है, मैं बता भी दूंगा ये फॉर्मूला कैसे आ रहा है, पर वो ऐसा इतना खास यूज़ नहीं है। क्यों यूज़ नहीं, क्योंकि बहुत ईजीली तो ऐसे ही हो जाता है, तो जो चीज़ ईजिली ऐसी हो जाती है तो ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए फॉर्मूला तुम याद रखो। पर हाँ, अगर याद कर सकते हो तो इसमें कोई बुराई नहीं है, पर अगर नहीं भी याद रहता है तो वो भी चल जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला लिख लेते हैं उसके लिए।